एक इंसान की कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है, इसका अंदाजा सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसने कामयाबी की मंजिल को पाने के लिए सख्तियां झेली हों। ऐसी एक मिसाल मॉडलिंग और अदाकारी में नाम बनाने वाली बेबाक सुनीता मार्शल की है, जो अपनी मेहनत और लगन से शोबिस इंडस्ट्री की टॉप मॉडल्स में शामिल हो गईं। सुनीता क्रिश्चियन है और नामवर अदाकार हसन अहमद के साथ खूबसूरत इज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं, जो कि मुसलमान हैं। अहम बात यह है कि शादी से पहले या बाद सुनीता मार्शल ने अपना मजहब तब्दील नहीं किया। सुनीता मार्शल अपनी शादी के हवाले से बात करते हुए कहती हैं कि ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, यानी समझ लें कि चट मंगनी पड़ गया, लेकिन मैंने हसन को इतना जरूर कह दिया था कि अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगी, और फिर इस्लाम कबूल न करने की शर्त पर हसन की रजामंदी के बाद हमारी शादी हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने और फिर अदाकार हसन से पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए सुनीता कहती हैं कि उनके वालिद को कारोबार में नुकसान का सामना हुआ और उनकी फैक्ट्री बंद हो गई तो सख्त हालात का सामना करना पड़ा। हम एक छोटे से घर में रहने लगे जहां फर्नीचर ना होने के बराबर था, गाड़ी भी बेचना पड़ी। इन सब हालात का असर मेरी एजुकेशन पर भी हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 बरस थी और फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। बस इसी दौरान मॉडलिंग का आगाज हुआ, मगर घर वालों ने कहा कि पढ़ना भी है और काम भी करना है। मैंने इसी तरह ही काम किया। मॉडलिंग शुरू करने से पहले 6 माह मैंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप पर काम भी किया, लेकिन मुझे महसूस होता था कि आगे जाकर मॉडलिंग में काम मिले या ना मिले, और पैसे की अशद जरूरत थी। लेकिन फिर मुझे मॉडलिंग का काम मिलना शुरू हो गया। ताहम हालात बदले, घर वालों ने इंग्लैंड की इमिग्रेशन अप्लाई की, लेकिन मैंने घर वालों से कहा मैं तो नहीं जा सकती, मेरा तो यहाँ अच्छा कैरियर है, मैं तो इस वक्त कैरियर की पीक पर हूँ और ड्रामे भी अच्छे कर रही हूँ, जिस पर वो मान गए। फिर मेरे घर वाले इंग्लैंड चले गए और मैं हर साल वहाँ आती जाती रही। सुनीता मजीद बताती हैं कि लाहौर में एक शूटिंग के दौरान हसन से मेरा तारुफ हुआ, जिसके बाद उसने मुख्तलिफ तरीकों से मुझे अप्रोच किया, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करती रही। लेकिन फिर हमारी मैसेजिंग और कॉल पर बात होना शुरू हो गई। जब मजीद बात बढ़ी तो मुलाकात का प्लान बना और यही हमारी पहली डेट कह लें, जिसके कुछ अरसे के बाद हसन ने शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैंने हाँ कर दी और फिर घर वालों की रजामंदी से हमारी शादी हुई। लेकिन सुनीता ने बताया कि इस शादी में शर्त यही थी कि मैं मुसलमान लड़के से शादी के लिए अपना मजहब तब्दील नहीं करूँगी, और हसन इस पर बखुशी राजी हो गया। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।